being silent uh, is most of the time i have seen is just an escape from the situation nowadays and as you said that uh, if you want to trust people you need to be trustworthy yourself so i don't think so that because uh, once your trust is broken you tend to shrink you tend to build a wall and you never trust others there is an uh, african phrase uh, that's called ubuntu which stands for i am because you are so until uh, unless we find trustworthy people

Yes, sir, sir, लेकिन लेकिन अगर आप ट्रस्ट वर्दी हो तो लोग आपको ट्रस्ट करते हैं बस आप नहीं मेरे एक्सपीरियंस से ये बात तो मान लीजिए हालात होते, होते हैं आपके साथ आपके साथ दुर्घटना होती है आपको गलत आदमी को मिल जाता है वो धोखा भी देता है कुछ होता है लेकिन अल्टीमेटली uh, आदमी जो ट्रस्टवर्दी है उसके बारे में लोग कहेंगे that happens because Even you are will say I i don't like him but hai a ka pakka first of all uh, the meaning of success is different for everyone Yes. for few uh, the success would be money but if you have money no money sharers no one to uh, indulge with to talk to uh, the, there's no meaning of success so if an honest an honest person uh,

सर्विस करें प्रोफेशनल में जाएं, चाहे आप अपना बिजनेस करें चाहे आप रिसर्च करने जाएं, रिसर्च फील्ड में जाएं, आगे हायर एजुकेशन में जाएंगे, कहीं भी जाएं, कुछ चीज़ें आपको हर चीज़ में सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी हैं नंबर वन यू विल हैव टू क्रिएट रिलेशनशिप्स अराउंड यू किसी न किसी प्रोफेसर से बात करेंगे किसी और से बात करेंगे अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे कोई आपको एंगेज करने वाला है तो उस वो इंटरव्यूअर से बात करेंगे कहीं ना कहीं आप जब बात करते हैं तो कुछ ना कोई रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ और रिलेशनशिप कैसे बनती है और कैसे लंबी रह सकती है उसका जवाब हम पहले सुन चुके हैं कि अगर आप

इसके लिए जरूरी है और रिलेशनशिप विदाउट ट्रस्ट इज इज डिफिकल्ट टू बी मेंटेन फॉर लॉन्ग टर्म एंड देन सक्सेस इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन दी नेटवर्क ऑफ सच रिलेशनशिप बहुत से लोग आप देखेंगे कि जो कामयाब हैं आप अपने मन में किसी को भी देख लीजिए आपके मन में जिसकी भी छवि आती हो जिसकी भी मूर्ति आती हो कि ये आदमी सक्सेसफुल है और मुझे इसकी तरह से बनना है आप तो उसकी ज़िंदगी को देख लीजिए आप उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिए आपको पता लगेगा कही न कहीं ना कहीं कि उस आदमी ने अपना या उस लड़की ने उस औरत ने अपने कहीं ना कहीं नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप बना के रखे इन टूडेज वर्ल्ड बिजनेस वर्ल्ड विच इज़ वेरी वेरी हाईली कंपेटिटिव और जिसके कारण से हम कई बार सोचते हैं कि आज के दिन में ईमानदार रह के हम कामयाब नहीं हो सकते मेरा उल्टा मानना है कि इस कंपेटिटिव वर्ल्ड में आज के दिन अगर आप ऑनेस्ट और ट्रस्टवर्दी नहीं हैं तो शायद नहीं हो सकता बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि कस्टमर को हमेशा आपके ऊपर ट्रस्ट होना फेथ होना ज़रूरी है देर आर अदर नाइन अदर कमांडमेंट्स टू बी सक्सेसफुल आपने जो बात यहाँ कही थी सक्सेस के बारे में किसकी मेरी अपनी परिभाषा है आपकी अपनी परिभाषा है वट आर दीज नाइन थिंग्स

यूज अफेक्टिव कम्युनिकेशन इन यूर वर्ड एंड डीड्स जो मैंने हिंदी में कहा कि कथनी और करनी एक होनी चाहिए आपकी नंबर चार प्रोवाइड योर सेल्फ प्रॉपर रेस्ट रेक्रिएशन एंड रिफ्लेक्शन शो रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ डिग्निटी एंड देयर राइट्स इफ यू शो रेस्पेक्ट टू एवरीबडी दे विल गिव यू रेस्पेक्ट एज वेल मेनटेन ए स्टेबिलिटी ऑफ सेक्सेस एंड द फैमिली इक्वलिटी अमंग्स ऑल सेक्सेस मेल फीमेल यू शुड नेवर इन लाइफ डिस्क्रमिनेट बिटवीन दैम एंड रेस्पेक्ट आवर फैमिली वैल्यूज आवर फैमिली सिस्टम्स ड्यू टू विच आई थिंक पर्सनली मैं आज ये मानता हूँ कि आज अगर इस देश का इकोनमी uh, स्ट्रॉन्ग है लोग स्ट्रॉन्ग हैं बहुत हाथ है उसका फैमिली वैल्यू सिस्टम में फैमिली सिस्टम में वो कई जो आपने आपको डेवलप्ड कंट्री समझते हैं वहाँ फैमिली सिस्टम ख़त्म हो चुका है मैंने देखा है उन लोगों को अपने प्यार के लिए तरसते हुए और जब आदमी को प्यार नहीं मिलता जब आदमी को कोई एग्जो लव फैक्शन कुछ नहीं मिलता तो वो कुछ भी करता है ड्रग्स भी करते हैं और डिप्रेशन में भी चले जाते हैं आज अमेरिका जैसे मुल्क में पचपन लोग डिप्रेशन की दवाइयाँ लेते हैं

तो उसके उसको उसका सही में अप्रिशिएशन मिलना चाहिए क्योंकि कई बार देखने में आता है कि कई बॉसेस को मैंने देखा वो जब सक्सेस मिलेगी तो अपने आप ओन कर लेते हैं और फेल्योर मिला तो बोला सर मेरे आदमी ठीक नहीं है मेरे साथ काम करने वाले तो ये दिस इज दिस इज काइंड ऑफ टेकिंग अवे राइट ऑफ दी ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ दिस समबडी एल्स हैज क्रिएटेड तो जिसका जो ड्यू है उसको जरूर दीजिए लेकिन एक ही जगह उन्होंने लिखा शो द इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी बाकी आठ चीजों पर भी अगर आप रिफ्लेक्ट करेंगे कहीं पर डिसऑनेस्टी वाली चीज़ कहीं आपको नजर नहीं आएगी पर्सनली आई विल क्लोज विथ दिस दैट सक्सेस कैन बी अचीवड इवन बाय डिस ऑनेस्ट मीन्स